पूजा वगैरह कर लिए हैं, जगन्नाथ भगवान का दर्शन कर लिए हैं और हम लोग मंदिर से निकल रहे हैं। आप लोग सूरज और हम लोग बाहर चलते हैं, कहे कि पूजा अर्चना कर। यार दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। तो चलिए आज जानते हैं कि आज रथ यात्रा है, तो आज हम लोग बड़ागढ़ और छोटागढ़ दोनों गढ़ जाएंगे रथ देखने के लिए। और फिलहाल आप लोग देख सकते हैं पिन ओढ़ के हम लोग तैयार हैं और मेरा साथ मेरा बेटा लोग भी जाएगा। आप लोग देखिए तैयार है इधर, तो अभी चलते हैं रथ देखने। हाय गाइस, तो देखिए हम लोग जगन्नाथ रथ मेला पहुंच चुके हैं। ये कहाँ बाबू लोग, कभी किशन इधर है और नीरज इधर, और हम लोग देख सकते हैं प्रसादी फूल वगैरह खरीद चुके हैं और अभी मेला में जस्ट हम लोग पहुँचे हैं और लाइन लग चुके हैं हम लोग। हाँ, और अभी काफ़ी दूर मंदिर है, आप लोग देख सकते हैं लग चुके हैं, लगभग 200 मीटर दूर में है अभी और 2 घंटा लगेगा अभी मंदिर पहुँचने में। तब तक से हम लोग पूरा श्रद्धा भक्ति से हम लोग लाइन लग के अभी जाएंगे। पूजा करने के लिए आए हैं तो करिए के जाएंगे, मेला देखने खास करके नहीं आए हैं, पूजा करने के लिए खास करके आए हैं और छोटे छोटे बच्चे लोग भी आए हैं। दोस्तों तो चलिए हम लोग जगन्नाथपुर मेला मंदिर आ चुके हैं और भगवान का दर्शन करने के लिए जो है हम लोग पहले आए हैं, है कि थोड़ा ऐसा लेट होने के बाद जो है कि यहाँ दर्शन करना मुमकिन नहीं है। तो अभी हम लोग लगभग 10 बजे पहुँच चुके हैं जगन्नाथपुर मेला और मंदिर का मैन मुख्य द्वार पर आ चुके हैं, मैन गेट जगह आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों ब्याह शादी होने के बाद झारखंड का कोना कोना से वर वधू आते हैं मौर सेराने। आप लोग देख सकते हैं किस टाइप से मौर सेरा रहे हैं लोग बसायर झूड़ में, देखिए। दोस्त अब हम लोग सीढ़ी चढ़ चुके हैं क्योंकि क्षण बाकी है मंदिर में जाकर दर्शन करने का। देख सकते हैं हम लोग पहुँच चुके हैं गेट में, पूजा करने के बाद जो है हम लोग निकलेंगे, उसके बाद फिर आप लोग से बने रहेंगे। देख सकते हैं दक्षिण द्वार अश्व द्वार हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। सोचे थे कि भगवान जगन्नाथ का दर्शन नहीं कर सकेंगे, बहुत भीड़ भड़का है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का कृपा से, भगवान जगन्नाथ का कृपा से देखिए हम लोग आधा घंटा
एक घंटा लाइन में लगे, उसके बाद जो है हम लोग को बहुत जल्दी भगवान का दर्शन हो गया। और तो चलिए अभी बताते हैं आप लोग को कि भगवान जगन्नाथ को और सुभद्रा बलभद्र को किस रथ से अभी मुसीबारी ले जाया जाएगा, उस रथ को अभी आप लोग को दर्शन कराते हैं उस रथ का। तो चलिए बने रहिए मेरा ब्लॉग वीडियो में। फिर मुसीबारी आ चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं ये मुसीबारी है और जितना भक्त लोग हैं सभी दर्शन करते हैं, हम लोग हुए हैं बैठने का स्थान बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अभी मुसीबारी का भी दर्शन करते हैं, कहे कि रथ को आज रथ यात्रा होगी और रथ यात्रा में जो है सुभद्रा बलभद्र और भगवान जगन्नाथ तो फिर 8 दिन के बाद फिर यहाँ पर इसी टाइप से भव्य मेला लगेगा। तो चलिए अभी चलते हैं। मुसीबारी से हम लोग निकल चुके हैं और देख सकते हैं मुसीबारी का बगल में शायद ये मेन गेट द्वार रहा होगा जिसमें एक पंडित जी बैठे हुए हैं और पूजा करा रहे हैं पंडित जी का। पंडित जी का हाल चाल है? तो चलिए इस जो किला आप लोग देख रहे हैं इसके बारे में थोड़ा पंडित जी से जानते हैं, इसका रहस्य के बारे में। ये कौन सा गेट है बाबा? मंदिर प्रांगण का ही भाग है, मंदिर प्रांगण का ही भाग है। अच्छा, ये मंदिर मुसीबारी का जो मंदिर है इसका मेन द्वार है कि क्या चीज? हाँ, जो कि आप लोग देख सकते हैं इसका स्थिति अभी जर्जर है, मेन द्वार ही रहा होगा जिसमें पंडित जी पूजा करा रहे हैं इसमें। और इधर से दिखाते हैं आप लोग को कि इसका द्वार किस टाइप से कितना प्रिस्टिज परिया का है, बहुत जमाना का है, लगभग ये जो है 17वीं शताब्दी का मंदिर है जो कि आप लोग देख सकते हैं किस टाइप से है। तो चलिए दोस्तों अब जो है हम लोग पूरा मेला का सैर करते हैं और ये बाबू लोग देख सकते हैं घूम रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम लोग को पूरा मेला दिखाइए। तो अभी हम लोग मुसीबारी के बगल में हैं, आओ कभी किसान, और बाबू लोग बोल रहे हैं कि फुचका खाएंगे। तो चलिए सबको ले चलते दोस्तों। ये रथ मेला, ये जगन्नाथ रथ मेला 17वीं सदी से लग रहा है, बोला जाए तो 330 साल से लग रहा है। झारखंड में इसे बड़का गढ़ कहते हैं, फिर रथ मेला रातू में भी लगता है जिसको छोटा गढ़ कहते हैं। बात रही जब मैं 5 साल का था तब मेरा दादी बताया करती थी कि ये जगन्नाथ भगवान जो है उरमांझी प्रखंड के गढ़ पोखर में सबसे पहले नींव रखा। कहा करती थी दादी जब लोग ढेंकी का आवाज करने लगा उस समय जगन्नाथ भगवान उठ के फिर कुल्ही बरवे में चल गया, वहाँ पर भी एक छोटा सा मठ है, फिर वहाँ का यही स्थिति रहा, ढेंकी का आवाज सुन के फिर भगवान जगन्नाथ जो है फिर ये बड़का गढ़ जगन्नाथपुर मेला आया। इसमें जो है पूरा मंदिर निर्माण कर चुकी थी, बस थोड़ा सा मंदिर का ऊपर का जो है हिस्सा बाकी था। उसके बाद फिर यहाँ ढेंकी का आवाज
आवाज सुनाई दिया। उसके बाद फिर जो है जगन्नाथ भगवान पुरी चल गए और जाके पुरी में पूर्ण रूप से मंदिर का निर्माण किए। यह उसके बाद जो है आषाढ़ शुक्ल पंचमी द्वितीय में जो है कि रथ का आयोजन होता है और पूरा धूमधाम से रथ यात्रा किया जाता है। इस दिन कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ बिन मांगे सब कुछ दे देते हैं, सिर्फ दर्शन से कुछ मांगना नहीं पड़ता है। श्रद्धा भक्ति विश्वास से जो लोग यहाँ आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और मांगते हैं, उसे दे देते हैं। तो दोस्तों, जगन्नाथपुर रांची मेला, जगन्नाथपुर रांची मंदिर का पता कैसे चला आप लोग को बताते हैं कि ये नीनाथ सहदेव जो थे, इनको एक दिन रात को सपना आया। ये सपना जगन्नाथ भगवान दिए थे कि जगन्नाथपुर में एक मंदिर बना है मेरा, जाके तुम भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा का विग्रह स्थापित करो और जाके पूजा पाठ करो वहाँ। उसके बाद जो है एनीनाथ सहदेव अपना मंत्री को भेजा, तो जैसे भेजा तो सही में जो पहाड़ में जो है कि एक मंदिर बना हुआ है। फिर विधि विधान से उसमें विग्रह का स्थापित किया। दो घंटा यहाँ पूजा होगा, उसके बाद 4 बजे यहाँ से रवाना होंगे। यहाँ से निकलेंगे 4 बजे, मोसेबाड़ी पहुँचेंगे वही 5:30 में। फिर इसको कब यहाँ से लाया जाएगा? यहाँ फिर 8 दिन के बाद फिर ये भगवान जगन्नाथ जो है मांगे ही सब कुछ दे देते हैं, तो मांगने की जरूरत नहीं है। और देखिए दिखाना चाहूंगी भैया। आप कितना साल से इसको मतलब भगवान को ले जा रहे हैं मोसीबारी? हम तो जब से जान रहे हैं तब से हम लोग के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरा मतलब पुरखा वाला है। अच्छा। तो जब से हम जान रहे हैं तब से यहाँ आ रहे हैं, तब से हम लोग रथ पूजा कर रहे हैं और रथ चलती रथ में फिर तो जी हाँ दोस्तों, अब देखिए मैं आ चुका हूँ मांदर की दुकान। मेरा बेटा लू मांदर खरीदना चाह रहा है। कितना का मांदर है बाबा? कितना का है? है? कितना दाम है? दाम दाम तो 15 रुपया। 15? हाँ। आपका घर कहाँ है? हमारा घर बोकारो। बोकारो? हाँ। तो देखिए गाइस, फिलहाल हम लोग मांदर ले रहे हैं सूरज। तो देखिए मांदर ले चुके हैं 1500 में और ये बाबा के पास लिए हैं, बोल रहे हैं कि बढ़िया मांदर है। थोड़ा सा बजा के दिखाओ बाबू, थोड़ा सा बजाओ। सूरज के लिए खरीद दिए हैं, सीखेगा बजाने का। देखिए बाबा बजा के दिखा रहे हैं मांदर।
मांदर हम लोग खरीद चुके हैं और रथ मेला से ले जा रहे हैं रांची रथ मेला जगन्नाथ रथ मेला से। और आप लोग बने रहिए मेरा ब्लॉग वीडियो में, इधर दिखाते हैं बहुत सारा मांदर बिक रहा है, लेकिन हम लोग को यही मांदर पसंद आया, हम लोग को यही मांदर पसंद आया, इसीलिए इस मांदर को हम लोग खरीदे हैं। बहुत ही आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सुंदर मांदर है। ढोलक वगैरह बिक रहा है, बेच रहे हैं माताएं बहने, और इधर देखिए बहुत सारा मांदर ढोलक वगैरह बिक रहा है इधर। जोहार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। तो चलिए अब हम लोग पूरा मेला सैर कर चुके हैं और आशा करते हैं कि बढ़िया पसंद आया होगा। और चलिए अब हम लोग विदा लेते हैं आप लोग से। जय हिंद, जय झारखंड, जय रथ मेला।